अरे अरे बस। मेरी जो भाभी है ना वो कहाँ से हो आप? सच बात बताऊँ ऐसी मस्त लग रहे हो। शादी नहीं हो रही भाई की। तो यार गाइज अगर कोई लड़की हो ना मतलब सिंगल तो भाई की जरूर शादी कर। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी ना 10 बज गए और मैं अभी उठा हूँ और यार लेट हो जाते हैं दो दो तीन तीन बजे तक तो मैं एडिटिंग ही करता रहता हूँ। उसके बाद फिर लेट सोता हूँ तो लेट ही आँख खुलती है और बिना नहाए आज कैमरा उठा लिया मैंने और वो भी क्यों उठा लिया आज है ना फन धम सब और ज्यादा होने वाला है मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग क्योंकि आज मेरी भाभी आ रही है मतलब जो आपने पिछली वीडियोस में देखी है ना वो भी जो है ना वो सुबह सुबह बेड पे चढ़ा हुआ है। इसको कुछ मतलब नहीं है इसने सारा सब कुछ खराब कर रखा है हमारे घर के अंदर सब दुखी हो गए इससे। मम्मी भी कह रही है कि मैं इसको छोड़ाऊंगी तो कुछ नहीं कर सकते भाई ये बच्चा है अभी आ गया तैयार और सिर्फ वेट ही कर रहे हैं भाभी का। और आज ना करवा चौथ है और करवा चौथ का व्रत कर रखा है सभी ने और अभी है ना अभी क्या कर रहा है ओए ओए तेरे लिए भी व्रत कर रखा है किसी ने है बता दिए मेरे लिए क्यों कर रखा है ना भैया मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ बहुत। अच्छा फाइनली भैया और भाभी दोनों आ गए और ओ भी है ना ओ भी को हमने बांध दिया है ड्राइवर कौन है भाभी। अच्छा तो यार वहाँ पे आ रहे हैं क्या चाहिए आपको? तो यार ये ए ले 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 शर्मा गए अरे बस बस जो माले ले आओ ऊपर ले आओ कोई नहीं। तो ये आ गए यद्वी हेलो कर दो हेलो इधर देख रही है हेलो नायरा ओ भी स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये हमारी भाभी जी आ गई है लाडली भाभी जी भाई नमस्ते भाई नमस्ते तू चुप हो गया मुर्गा चुप सिट ओ भी सिट 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 बाजी वाह बाजी वाह। 15 minutes later. यार मैं तो बना रहा हूँ यहाँ पे चाय भैया के लिए और भाभी का तो व्रत है सबका व्रत है सिर्फ जो जेंट्स है ना मर्द उनका व्रत नहीं है तो उनके लिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी भाभी जी तैयार हो रही हैं मतलब क्या आप आज भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हो सच बताना। तो यार ये वही भाभी है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से CNG में गाड़ी चला देती है ना ना बस बस मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है सही पकड़े हैं। करवा चौथ है आज कितनी बार बताऊं हमारे लिए भी कोई व्रत करेगी कभी तो यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा यार आज तो भंगड़ा होएगा यहाँ पे है ना भंगड़ा होएगा तो यार मम्मी और भाभी तैयार हो गए जाओ आप कथा वथा सुननी है मम्मी को और भाभी को कहाँ पे किसके पास जाओगे? सुरभि आंटी के पास जाओ जाओ तो यार मम्मी बोल रही है कि तू भी चल हमारे साथ में भाई मेरा कोई रोल नहीं है जाने वाले का मेरे लिए थोड़ी ना किसी ने व्रत करा मैं क्यों जाऊँ नहीं किसी ने बैठी होनी ना ताप लेने ता। मम्मी चली गई थी मतलब कथा वगैरह सुनते हैं कुछ यहाँ पे करवा चौथ पे तो वहाँ पे और मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी जो है ना सुरभि आंटी के घर पे यार मम्मी का स्पेशल फ़ोन आया कि यहाँ पे आ जा सुरभि आंटी ने रिक्वेस्ट करी है ब्लॉग डालना है ब्लॉग डालना है तो अभी ब्लॉग शूट करने मैं जा रहा हूँ सुरभि आंटी के घर पे। कहाँ पे आंटी कहाँ पे है क्या चल रहा है अंदर? मैं नहीं जा रहा सीधा अंदर मेरे को शर्म आती है। अभी ना मैं जा रहा हूँ अंदर और यहाँ पे कथा चल रही है बहुत सारी लेडीजें बैठी हैं मतलब बहुत सारी आंटियाँ मम्मियाँ भाभी सब बैठी हैं और मेरे को शर्म आ रही है लिटरली बता रहा हूँ। अभी चलते हैं अंदर अभी दिखाता हूँ। तो यार अभी ना यहाँ पे सब कथाएं सुनने लग रहे हैं अपनी यहाँ पे ये दो कन्याएं सीख रही हैं कि आने वाले टाइम में कैसे होना है जो भी कुछ होना है ये सीखने लग रहे हैं अभी तो एक डेढ़ साल में ये भी इसी कैटेगरी में आने लग जाएंगे। बात तो सही है आपका आपका वैसे
से कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आप वैसे ही आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। वैसे भी फोटो यहाँ पे जब यहाँ ये सीख रहे भी एक डेढ़ साल बाद आपके साथ ही बैठेंगे यार। तो यार यहाँ पे एक 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 करके सारी आंटियां मम्मियां भाभियां सब आ रही हैं। सूरज बादलों में छुप गया यहाँ पे। तो यार यहाँ पे एक एक करके दादी जी के पैर दबाए जा रहे हैं और संस्कारी हमारी बहुएं सारी संस्कारी हैं, मतलब हमारी कंट्री की सारी बहुएं संस्कारी हैं। क्या है जो फोटोग्राफर है वो अनसंस्कारी बदतमीज है वो तो है। बस 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 हो गया भारत मिलाप बस। तो यार जितना टाइम यहाँ पे कथा सुनने में नहीं लगा ना, उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे फोटो सेशन में लग गया। मुझे अपने घर जाना है। आंटी ये कैसे हो गए आप, ये क्या कर दी? अरे बावली क्यों कर दी आपको? नहीं आंटी, आंटी सच बात बताऊं, ऐसी मस्त लग रहे हो ना, सही में लक्की जी से भी पूछ लो, और जो यूं कहने ऐसे मस्त नहीं लग रहे, वो खुद ही मस्त नहीं लग रहे, पर ऐसे ही मस्त लग रहे हो आप। पार्लर ये मीट मीट पार्लर वाली। अरे बस कर भाई। नहीं नहीं भाभी बस 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 नहीं 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 नहीं। तो यार गाइस मेरे को ना यहाँ पे पैसे दिए जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अरे बस बस आशीर्वाद ही बहुत आपका, बस 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 बस। अरे अरे बस नहीं तो पैर पैर की छोड़ो, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है फिर मैं भी आशीर्वाद दूंगी। जी जीते रहो जीते रहो। यार एक फोटो के लिए तहलका मचा दिया यहाँ पे यार। ये सब है ना हमारे नेबर हैं और बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे, मतलब इतना प्यार इतना प्रेम पूरा सम्मान एक फैमिली में भी नहीं होता होगा, इतना प्रेम इतना सम्मान, और यहाँ पे सब एकदम पूरे प्रेम के साथ रहते हैं। तो यार ऐसा बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान को प्यार से रहना चाहिए भाई, प्यार बरसाते रहो, क्योंकि नफरत की आग बहुत गंदी होती है, इसलिए हमेशा प्यार से रहो। अगर आपके भी कोई नेबर्स हैं, आपके मतलब नॉट अ नेबर्स, आप जिससे भी मिलते हो जहाँ पे भी बात करते हो उसका पूरा सम्मान करो, प्रेम से रहो। एक फैमिली में भी सेलिब्रेशन नहीं होता ऐसा जैसा यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, धीरे धीरे आपको व्लॉग्स के मीडियम से पता चल जाएगा कि कैसे सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे ना भाभी और मम्मी अभी आ गई, आप जा रहे हैं, कहानी समझ में नहीं आई क्यों? सही में समझ में नहीं आई, वही कहानी वही थी। तो मेरी जो भाभी है ना वो कहाँ से हो आप? मेरी भाभी को हरियाणवी में कहानी समझ नहीं आई, हरियाणवी में थोड़ी ना सुनाई होगी, तो कोई नहीं अब इसका है ना आपको एक डीप डिस्क्रिप्शन मम्मी दे देगी, मतलब पूरा डिस्क्राइब कर देगी अच्छे से कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था, टेंशन ना लो। अरे क्या वही थी वो क्या थी? सात भाइयों की एक बहन। मम्मी ने भी नहीं सुनी क्योंकि मम्मी को थोड़ा ऊंचा सुनता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नायरा 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 क्या कर रहे हो आप? मैं गोली मार दूंगी। अभी ना घर चलते हैं फटाफट, और ये हमारी बड़ी नायरा है यहाँ पे। नायरा कहानी सुनी है तूने, तेरे को समझ में आई है? तेरे को भी नहीं आई तो यार किसी को कहानी समझ में नहीं आई। वो भी को छोड़ गए तुम यहाँ पे, ये अच्छी बात है। ये देखिए बेचारा, ये बेचारा सोफे के ऊपर सो रहा है, इसने देख सारा कवर ववर हटा दिया। ओ भी तेरे को छोड़ जाते हैं ना, अच्छे बच्चे नहीं है सब, गंदे हो गए है ना। ओ भी अभी नहीं खाना कुछ भी, रात में खाना है सिर्फ चांद देख के। वो रहा आपका चांद, उधर है आपका चांद, वो शुरू शुरू में बहुत तेज हो रहा है। चांद चांद नहीं रहा, ग्रह बन चुका है। क्या बनाओगे मम्मी आज? क्यों हंस रहे हो? क्या मिल गया? काट लिया, कर दिया काम, वाह नाइस। बोलो ना हिला क्यों रहे, मेरे को बताओ। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? Six and a half hours later. तो यार मम्मी ने है ना अभी मेरे को बोला है कि ये ना रबड़ी लिया, और इस करवा चौथ के पावन अवसर पर कुछ मीठा हो जाए तो रबड़ी लेके आऊंगा मैं, या तो रबड़ी लेके आऊंगा या रसमलाई लेके आऊंगा, जो भी मेरे को मिलेगी ना मैं वो लेके आऊंगा। अभी चलते हैं फटाफट और स्कूटी से जाऊंगा यार, गाड़ी नहीं लेके जा रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा भाई, 103 रुपए हो रहा है पेट्रोल, मजा नहीं आ रहा है।
If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. तो मैं पहुंच गया हूं भैया की शॉप पे, यहां से लेंगे हम अपनी मिठाई। भीड़ हो रही है भाई, खतरनाक, मतलब सारे लोग आज मिठाई खरीद रहे हैं। सब खुश करेंगे आज, सबको खुश करेंगे आज, सब अपनी पत्नियों को खुश कर रहे हैं आज, सब बिजी हैं खुश करने में। रुको जरा, सब्र करो। रबड़ी है कितनी? 200 किलो। आधा किलो हो जाए, आधा किलो बन जाएगा, आधा किलो बन जाएगा। क्या चाहिए? रबड़ी। और क्या है फिर? किलो रस मलाई वगैरह कुछ भी नहीं है, है लेकिन थोड़ी। कितनी है ये? तो कम ही है यार। तो यार यहाँ पे जितनी रबड़ी चाहिए थी ना, उतनी तो मिली नहीं। सबके सब आज अपनी पत्नियों को खुश करने में लगे हुए हैं ना, यही हो रहा है ना। तो यार उमेश भैया हाजिर है वहाँ पे, यही हो रहा है ना, सही में। शादी नहीं हो रही भाई की। तो यार गाइज, अगर कोई लड़की हो ना, मतलब सिंगल, तो भाई की जरूर शादी करें। जीव निकाल ली लड़ने। तो यार गाइस, इसकी शादी करो अगले करवा चौथ तक, मेरे को ये भी छल्ली में चाहिए। ये भी है। तो यार तो मैं क्या करूँ, मतलब व्लॉगिंग छोड़ के मैरिज ब्यूरो खोल लूँ, सबका रिश्ता करवाओ। तो यार भाई, जिसको जो भी पसंद आ रहे हैं ना भाई, समेट लो, अपना अपना बंदा चूज कर लो। तो यार अभी ना मैंने ले लिया रबड़ी, बट यार पूरी नहीं मिली। A few moments later. Reality haunts the living mind. करवा चौथ के शुभ अवसर पर क्या बनवा रहे हो आप, मतलब क्या बना रहे हो? चूरमा। चावल। भाभी को तो पसंद ही नहीं है चूरमा। पीछे से पापा की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। गाइस, मेरे को किचन में आते के साथ काम मिल जाता है काम करने के लिए। अब चूरमा बनाऊंगा मैं, चूरमा मुझसे बनाएंगे मम्मी चूरमा। तो भाभी जी, दही कोली दे दे। कैसा लगेगा आपको चूरमा खाते? मेरे तो खाते ही नहीं। मत खाओ, आपसे यही उम्मीद थी मुझे। कोली क्या होती है ये? तोरी। कोली? कोली तो मैच में है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। गाइस, यहाँ पे बन रहा है चूरमा और मिक्सी चल चुकी है। क्या देख रहे हो? ऐसे बनाते हैं हम, तो ऐसे ही बनाते हैं हम, ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे डाल दिया मम्मी ने इसके अंदर घी, बूरा, सब कुछ। अरे भाभी, अब आपका काम है, मैं नहीं कर रहा। आप आए हो ना हमारे घर पे मेहमान बन के, हम मेहमानों से काम करवाते हैं। मेरी कोई मेहनत नहीं आज इसके अंदर, बस मैंने उसको जो रोटियां दी ना, उनको एक बार ग्राइंडर के अंदर घुमाया था। बाकी जो मेहनत है ना, वो हमारी प्यारी सी मम्मी कर रही है। तो ये यहाँ पे अभी बना रहे हैं, और भाभी जो है ना, वो ओबी के लिए खाना तैयार कर रही है। मतलब आज सुबह से ओबी भाभी के पीछे, तो भाभी सोच रही है कि उसको खाना देख के मैं थोड़ा सा पटा लूं, बट ऐसा नहीं है, वो पटने वाला नहीं है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं आ गया हूँ अपने घर की टेरिस पे, और यहाँ पे ना चांद ढूंढ रहे हैं मम्मी। यहाँ पे बहुत देर की परेशान हो रही है, चांद नहीं निकल रहा है। 9:30 हो गए हैं, पर चांद नहीं। डिटेक्टिव मैं उसको बुला, चांद देखने के लिए। कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे है? तो यार गाइस, पता नहीं चांद निकलेगा क्या। कहाँ पे है? बिल्कुल सामने है, वो हल्की चमकता है फिर। One hour later. फाइनली पूरे 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे ये चांद दिखने लग गया है। और वही हमारे पड़ोस में पार्टी का माहौल, इधर सब चिल्लाने लग रहे छत पे खड़े हो के। और अभी मम्मी दोबारा ऊपर आ रही हैं, और ये नायरा है यहाँ पे। नायरा किसको बुलाया? मम्मा को, सामान लेके। ओह नाइस नाइस, सामान लेके। चांद आ गया यहाँ पे, रोशनी हो गई अच्छी। तो यार गाइज, इसी के साथ है ना व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो सब अब जल्दी से अपना व्रत खोल के मम्मी और भाभी जल्दी से खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है। लेट हो गया काफी यार, 2-3 बज जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बाकी की वीडियो के देखते रहिए। यार क्यों मेरा तुम क्यों ढांचा बिगाड़ रहे हो? रुक जाती। देख आज ऐसे ही करवा चौथ है यार, ऐसे मत कर यार, कोई एक दो देख लेगी थोड़ी खुश हो जाएगी मेरे को देख के। यार ऐसे क्यों बिगाड़ रहे हो मुझे? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार कथाएं सुनने के बाद यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा था। क्या चाहिए? मेरी फोटो। यार मैं फोटोग्राफर, प्लीज आंटी मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ। I'm trying to tell myself this isn't love.